मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप लोगों के साथ फिर जुड़ रहा हूँ क्लास दसवीं के इंग्लिश के दूसरे चैप्टर के पार्ट टू को लेकर के। पार्ट वन मैंने पढ़ा दिया है, पार्ट टू देखते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है कि प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। पहले में हम लोग पढ़े थे कि लंचो के खेत में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ओले पड़े, जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई और वह बहुत दुखी था। वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा कि देखो बेटा, फसल पूरी तरह नुकसान हो गई। फिर आगे उसने कहा कि प्लेग ऑफ लोकर्स, यानी लोकर्स का मतलब होता है टिड्डियों, टिड्डियों का जो समूह होता है उसको प्लेग बोलते हैं, यानी कि टिड्डियों का समूह या टिड्डियों का दल वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। फिर लिख रहा है कि दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, यानी कि वह रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उसने कहा कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई, यानी कि हमारी मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे। रीजन ये है कि वो पहाड़ी में अकेले ही रहता था और वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं है कि जो हम लोगों की सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिट्री हाउस, करे कि जो उस सोलिट्री हाउस मतलब निर्जन या अकेले घर में रहते थे, उनके हृदय में, आगे यहां दे रहा है कि इन द मिडल ऑफ द वैली, यानी घाटी के बीच के अकेले घर में जो लोग रहते थे उनके हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक उम्मीद थी, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवेन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। करा कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवेन दो मतलब यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है लाइक अ टोटल लॉस की सर्वनाश हो गया, टोटल लॉस का मतलब सर्वनाश हो गया। रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे सेड, दैट इज व्हाट दे सेड, मतलब कहते तो ऐसा ही है। दैट इज व्हाट दे से, कहते तो ऐसा ही है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लिंचो एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी, जैसा कि उसे समझाया गया था, निर्देश दिया गया था, सी एवरीथिंग, मतलब जैसा उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवेन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, यहां तक कि किसी के अंतरात्मा में क्या है वो भी भगवान जान जाते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, बहुत बढ़िया लाइन है, कह रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, यानी कि लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल के समान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, अपने खेतों में। बट स्टील, फिर भी, ही न्यू, उसे पता था हाउ टू राइट, कि लिखते कैसे हैं।
द फॉलोइंग संडे, यानी कि आने वाले सुबह यानी कि अगले सुबह एट डे ब्रेक, सुबह डे ब्रेक मतलब जैसे ही उजाला हुआ, जैसे धूप खिली, ही बिगन टू राइट लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिससे वो स्वयं शहर लेकर के जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, मेल का मतलब है पत्र पेटिका, और उसे पत्र पेटिका में डालेगा। आगे लिखा है इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी कि यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा था कि भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार एंड आई मतलब मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर मतलब इस वर्ष, यानी कि मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा यदि तुम हम लोगों की सहायता नहीं करते हो। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की जरूरत है। पिसो जैसे हमारे यहाँ सिक्का चलता है, उस तरह से उस देश में पिसो चलते हैं। तो कह रहा है कि हमें 100 pesos की जरूरत है इन ऑर्डर टू सो, सो मतलब बोना, माई फील्ड लगाने यानी अपने खेत को पुनः बोने के लिए मुझे 100 pesos की जरूरत है, एंड टू लीव और जीवित रहने के लिए अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल तैयार नहीं हो जाती है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान, मतलब इसका मतलब जो डैश डैश दिया, इसका मतलब कि ओलों के तूफान ने पूरी फसल हमारी बर्बाद कर रखी है। फिर आगे है कि ही रोड टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर, इनवेलप मतलब होता है लिफाफा, लिफाफा के ऊपर उसने लिखा टू गॉड मतलब भगवान को, पुट द लेटर इन साइड, पत्र को अंदर रख दिया, लिफाफे के अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल, और अब भी परेशान था। Went to town, वह शहर चला गया। At the post office, डाक घर पहुंचने के बाद, जब वह डाक घर पहुंच गया, he placed a stamp on the letter, उसने उस लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया, एक मोहर लगाया, मोहर मतलब जो टिकट होता है, उसने एक टिकट लगाया, and dropped it into the mailbox, और उसको mailbox मतलब पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो वहां पे कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था यानी कि जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो डाकघर में सहायता भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास यानी अपने मालिक के पास गया, लॉफिंग मतलब हंसते हुए, हर्टली मतलब पूरे मन से, एंड शोड हिम हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के जो पत्र लिखा था लेंचो ने, उस पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन भर में जब से वह सर्विस कर रहा था एज ए पोस्टमैन, यानी कि जब से वह एक डाकिया बना था, हैड ही नो दैट एड्रेस, उसे यह पता नहीं मालूम था, द पोस्ट मास्टर, जो वहां का पोस्ट मास्टर था, यानी कि जो वहां का पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर मतलब जो डाकपाल था यानी कि जो मुख्य था, वह एक एफएट मतलब एक मोटा व्यक्ति था, एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब होता है हंसमुख व्यक्ति या मैत्रीपूर्ण व्यक्ति बोल सकते हैं, आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत वह गंभीर हो गया, एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने मेज पर उस पत्र को टाइपिंग मतलब थपथपाते हुए कमेंट मतलब टिप्पणी किया, यानी कि बोला व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता है, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार, यानी कि जिसने भगवान से पत्राचार स्टार्टिंग मतलब शुरू किया है।